तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से, और चेहरे पे हमेशा आप खुशी देखते हैं, और इसके खुशी के कारण कहीं ना कहीं आप सब है, आप सबकी सक्सेस है, और आप सबके रूप में ये प्यारे से बच्चे जो आते हैं और एग्जैक्टली इतना बड़ा अचीवमेंट लेते हैं जीवन में, तो दिल खुश हो जाता है। आज का इंटरव्यू और भी खास है क्योंकि जिस गाँव जिस क्षेत्र विशेष से मैं स्वयं बिलोंग करता हूँ, और वहाँ से जब बच्चा कोई सफल होता है तो लगता है कि कुछ तो चीज़ें सही दिशा में हैं। और जैसे मैंने हमेशा कहा कि एक ही सपना है कि हर गांव से हर घर से एक बच्चा जो है वो आर्म फोर्स का हिस्सा होना चाहिए। इस प्रक्रिया और इस सपने को पूरा करने के लिए बड़ी ही दिल और आत्मा से हम सब बढ़ रहे हैं, और आप सबको बहुत सारा प्यार एंड सपोर्ट मिल रहा है। और आज इसी चीज़ को और बेहतर ढंग से समझने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के प्रश्न थे कि सर मेडिकल को भी लेके एक स्पेशल वीडियो चाहिए, तो चलिए आज पूरी जर्नी हम डिस्कस करने वाले हैं फेज टू से लेके मेडिकल तक की, और हर स्टेप की क्लैरिटी आपको प्रॉपर देंगे। और इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं विश्वास। विश्वास बहुत बहुत स्वागत है बच्चा आपका। धन्यवाद। नाम ही आपका विश्वास है तो काम भी बिल्कुल विश्वास वाला है। हम चलिए बढ़िया। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही बन रहा है कि कहाँ से जज्बा आया कि मुझे मतलब इंडियन एयरफोर्स टारगेट करना है और इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना है। सर पहले मैंने नाइन्थ से ही सोच लिया था कि सर हमें आर्म फोर्सेज में जाना ही जाना है। तो नाइन्थ में कहाँ से विचार आ गया कि मुझे जाना ही जाना है? वीडियो देखा था सर आपका बहुत पहले ही। जी जी। तो सर वहाँ से हम देखे थे कि सर आप मोटिवेशन का वीडियो था जी, एक कैंडिडेट थे सर सेलेक्ट हुए थे जी सर, वहाँ देखे थे, और एक हमारे गांव के भैया हैं सेलेक्ट हुए हैं। बहुत बढ़िया। तो वहाँ से सर थोड़ा, तो भैया भी आर्म फोर्स में हैं? किस फोर्स में हैं बच्चे? वो नेवी में सेलेक्ट। बहुत बढ़िया। तभी नेवी में पोस्टेड हैं कि अभी ट्रेनिंग चल रही है? पोस्टेड। अच्छा, वो पोस्टेड है, चलो बहुत बढ़िया। तो वहाँ से आपको एक मोटिवेशन मिला। अच्छा, ऐसे अगर विश्वास हर घर से एक एक बच्चा हो जाए सेलेक्ट तो कितना देश का माहौल बदल सकता है ना, कितना समाज में बदलाव आ सकता है। चलिए, अब इन सब के बीच एक बड़ा प्रश्न ये भी है कि जब आपने ये सोचा और जर्नी शुरू हुई, बिकॉज आप जैसे कह रहे हैं कि आप किस इंटर कॉलेज से आपने पढ़ाई की? सर ठाकुर देनी स्मारक इंटर जी, तो ये आपके गांव के पास ही था। कितना बोर्ड में परसेंटेज रहा बच्चा? सर बोर्ड में हमारा टेंथ में, तो सर टारगेट किए थे कि हम यूपी टॉप करना है सर, बस बट सर कोरोना की वजह से वो चीजें हो ना पाए, नहीं हो पाए, बट 86% थे। बहुत बढ़िया। तो पहला फ्रेस 10th में, वो 12th में हमारे 90%। वेरी गुड। तो टारगेट तो ये रहा होगा कि पहले हमको एनडीए अप्रोच करना है। yes, और आप एग्जाम में बैठे भी होंगे। yes, तो एनडीए एग्जाम में क्या हुआ? सर एनडीए एग्जाम में हमने दिया सर, थोड़ा सा इंग्लिश हमारी वीक थी सर। अच्छा। तो इंग्लिश वीक होने के कारण मैथ हम हर बार सर देखते थे, जब रिजल्ट आता था हमारा मैथ क्वालिफाई रहता था। और सर फिजिक्स हमारी क्वालिफाइड रहती है, इंग्लिश की वजह सर थोड़ा सा। इंटरमीडिएट कब डन हुआ आपका? सर पिछले ईयर। अच्छा, 2023 में ही कंप्लीट किया आपने। फिर एनडीए के उसमें कितने अटेम्प्ट देखे आपने? सर दो अटेम्प्ट। दो मतलब आपने अप्रैल वाला देखा, सितंबर वाला देखा, कि सितंबर वाला और ये अप्रैल वाला देखा? सर इसके पहले सितंबर वाला दिए थे। हाँ। सर 23 के सितंबर वाला और ये अप्रैल वाला, ये वाला सर अभी। तो रिटर्न में वही इशू बार बार आपके साथ आया, ठीक है। तो इस दौरान फिर आपने क्या मन में बना लिया कि मुझे इंडियन एयरफोर्स भी ट्राई करना है? सर कर उसकी रहे थे एनडीए की तैयारी, और फिर एयरफोर्स के फॉर्म आया, हमने फिल कर दिया सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फिर एयरफोर्स का पहला अटेम्प्ट, और पहले अटेम्प्ट में ग्रुप एक्स और 42 मार्क्स लाए आप। हाँ, ये एनडीए की पढ़ाई का फायदा है। हाँ, मैं हमेशा कहता भी हूँ कि एनडीए लेवल पे तैयार रहोगे तो आर्मी नेवी एयरफोर्स कहीं भी बैठ जाइएगा, आप बेहतर कर ले जाइएगा। नेवी एसएसआर का भी देख के आए जी, स्टेज वन तो हो ही जाना है सर, कॉन्फिडेंस ऐसा लग रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो जाएंगे। स्टेज टू में बस आप बढ़िया से दीजिएगा, वो भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसे ऐसे बच्चे हैं भाई, सब आर्मी नेवी एयरफोर्स आईसीजी चारों क्वालिफाई करके बैठे रहते हैं। मैं वही तो कहना चाहता हूँ विश्वास, दुनिया में जहाँ इतनी सारी नकारात्मकता है, उन सब के बीच आप सब बेटा पॉजिटिविटी की राह हो, आप ये क्षमता रखते हो दिखाने का कि हम एक नहीं कई एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। जहाँ गांव देश समाज में जाओ तो लोग ताश के पत्ते खेल रहे हैं, बेरोजगार हैं, नल्ले हैं, कोई काम धंधा नहीं है, केवल नकारात्मकता के अलावा कुछ नहीं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, नशे कर रहे हैं, उन सब के बीच बेटा आप सब एक प्रेरणा निकल के आ रहे हो, मुझे यही दिल से बड़ी खुशी मिल रही है। और आप सबके माध्यम से मुझे लगता है बहुत लोग अपने गाँव क्षेत्र के भी, क्योंकि जैसे आपने बताया तो बहुत सारे एरिया हैं, नाम तो हम टेक्निकली कटरा ही लेते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे गंभीरा एरिया से हैं, हिंदूपुर साइड से हैं, बाबूपुर साइड से हैं, आपके बगल में सराय भूपत है, बहुत सारे एरिया लाइन से हैं, आप समझ लीजिए ओवरऑल। आपके सुखदेवपुरवा के बगल में बहुत सारे गांव हैं आसपास जहां बहुत सारे बच्चे हैं, मैं जानता हूं। लेकिन एग्जैक्टली प्रॉब्लम यही है कि एक सही गाइडेंस, सही दिशा ना मिलने की वजह से सफलता नहीं दे कर पाते हैं। और आज भी 10+2 पे इससे बेहतर ऑप्शन कुछ है नहीं। हाँ, ये सच है कि लोग समाज में भी अग्निवीर का एक क्या रख रखे हैं, मेथोलॉजी बना रखे हैं कि भाई ये अग्निवीर हैं। तो एक बड़ी बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात कि फौज में जितना ही बच्चा जा रहा है सब परमानेंट रहेगा, इस बात का आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, मैं ठोक के बोल रहा हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक पॉइंट और भी उठ के आता है, वो भी चीज़ें थोड़ा क्लियर कर दूँ। आप एनडीए में सेलेक्ट होके जाइए, 4 साल ट्रेनिंग वहाँ भी है, 4 साल की ट्रेनिंग में आप पैसा देते हैं वहाँ पर,
यहाँ एयरफोर्स में आप जा रहे हैं, यहाँ भी 4 साल ट्रेनिंग ही मानिए, क्या मानिए, लेकिन इस 4 साल की ट्रेनिंग में आपको पैसा मिल रहा है, अंतर आप समझ पा रहे हैं। और 4 साल बाद आप काबिल हैं तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता है, और आप काबिल होंगे और आप रुकेंगे, तो इस भरोसे के साथ बढ़ना। और वो लोग जो बैठ करके बेरोजगार हैं, इस नकारात्मकता को डिस्कस कर रहे हैं, उनका कोई मायने नहीं, उनको कोई वजूद देने की ज़रूरत नहीं है, आप उनसे यहाँ पे हों उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सफलता आपने तय की है इसमें बड़ी मेहनत लगती है, इतना आसानी से नहीं रहा। रिटर्न के लिए सच्चाई से मेहनत की आपने बच्चा, फिर फिजिकल के लिए आपने काम किया, जीडी के लिए काम किया, मेडिकल आपने क्वालिफाई किया, हर स्टेज मायने रखता है भाई, तब जाके सफलता क्या होती है, सुनिश्चित होती है। तो चलिए थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे आपने कहा कि जीडी का जो दौर था वो उतना डरावना हमारे लिए नहीं रहा, उससे ज़्यादा प्रैक्टिस यहाँ मिल गई थी आपको। जीडी में ऐसा हुआ कि हमें पहले सर जब ले गए, एंट्री हुई हमारी लोग की, तो जल्दी से चेस्ट नंबर दिए, रनिंग वगैरह सर एकदम इजी। हम जब सब सर पुशअप कर रहे थे, हमारे बगल 4-5 सोल्जर खड़े थे सर, बट हमारा पोस्चर इतना बढ़िया था कि हमें एक भी बार नहीं बोले कि ये सही कर लो। जिनके सर ऐसा नहीं, वो लोग भी कोऑपरेटिव थे, वो बहुत कोऑपरेटिव थे कि कोई बाहर जाए, राइट, यही सच है सर। वो मतलब जिसका कोई गड़बड़ होता था पोस्चर, वो एक बार बोलते थे कि अपना सही कर लो, तो हमारा सर एक भी बार नहीं बोले। फिर उसके बाद सर ले आए हॉल में, फॉर्म वगैरह भरवाए, फिर जीडी के लिए ले गए सर। तो जीडी में 20 लोग थे हमारे ग्रुप में सर, ऐसे देख रहे थे जो अदर कैंडिडेट थे, वो ऐसे नॉर्मल बैठे थे इधर उधर, पोस्चर भी उनका नहीं, पोस्चर भी सही नहीं था, बट हमारे लोग के जितने भी 3-4 लोग थे हम एमकेसी के, हमारे ग्रुप में 4 लोग हैं एमकेसी के सर, एकदम बढ़िया पोस्चर में बैठे थे, बढ़िया से भी सर। टॉपिक था हमारा इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन इंडियन रिसोर्सेज, राइट सर, एकदम बढ़िया पोस्चर में, बढ़िया से अपना इंट्रो दिया। इंट्रो में सर बता दिए थे कि नाम बोल देना और जो भी इच्छा कहे, फैमिलीज बता देना, एजुकेशन बता देना बस। तो सर फिर इंट्रो देने के बाद बढ़िया से टॉपिक नरेट कर दिया, फिर बोले स्टार्ट ग्रुप डिस्कशन। पहले इनिशिएटर हम ही थे सर, बहुत बढ़िया, लगभग 1 मिनट बोले थे सर, तभी ऐसे सर सर हमें बोल दिए कि आप शांत हो जाइए, आपका वो आपको वहीं से शॉर्टलिस्टेड कर लिए थे। चलिए आप भी कॉन्फिडेंट हो गए होंगे कि दिखा होगा गेम में, बोले थे मतलब कोई डर नहीं, एकदम कूल माइंड से, बढ़िया से, एकदम आप लोग इतना प्रैक्टिस यहाँ किए थे, इतना प्रैक्टिस किए थे कि आत्मविश्वास वाले सर, बहुत ज्यादा बहुत टॉपिक भी करा दी थी, आदेश सर एकदम पूरा बता दिए रहे थे कि ऐसे ऐसे सेंटेंस बोलना है ऐसे सारी चीजें। यस सर, कमल सर की जीडी, मतलब सर जो कमल सर की जीडी कर लिया था सर, वो कहीं कहीं रुक ही नहीं सकता है, बहुत दिल से गाइड करते हैं बेचारे वो, तो ये बहुत सही है। और 3-3 लोग जब गाइड करेंगे तो कैसे कोई पीछे छोड़ पाएगा आपको, वो सारे के सारे अपने आप में मास्टर हैं उस सेगमेंट के, और 100% आउटपुट देते आए हैं। अभी तो एक बच्चा शेयर कर रहा था कि उसके 10 लोग थे, मतलब टोटल रिपोर्ट किए थे एमकेसी से ही, तो जो SSR बैठे हुए थे, तो ये सब भी प्रॉपर जेस्चर में, प्रॉपर हेयर कट था, एकदम सिस्टम से थे वहाँ पर सब लोग, तो वो बोल SSR खुद ही बोल रहे हैं आप सब एमकेसी से हो, तीन लोगों ने कहा यस सर वी आर फ्रॉम द एमकेसी, तो अपने बगल वाले SSR से कर रहा है कि देखिएगा भी ये बच्चे सारे सेलेक्ट हो जाएंगे लाइन से, तो अच्छा लगता है कि लाइक एटलीस्ट SSRs भी जो हैं वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और आप लोग की वजह से ही वो सम्मान मिल रहा है बच्चा, अगर आप लोग का वो परफॉर्मेंस ना हो तो काहे ही वो रिस्पेक्ट मिलेगा। ओके तो फाइनली फिर इसके बाद किस डेट पर आपका रहा फेज टू? सर यही कानपुर। डेट क्या थी सर? 25 का। 25 तो मेडिकल कब रहा? दो को वो भी कानपुर बुलाया होगा। मेडिकल का कैसा अनुभव रहा है? मेडिकल का सर हमारे यहाँ प्री मेडिकल कराए थे, तो हमारा ECG इशू आ रहा था सर। अच्छा, एबनॉर्मल आ रही थी, बट हमें सर थोड़ा सा गाइडेंस मिला था, योग वगैरह करते रहो तो सर हम करते रहे, वहाँ गए तो हमारा सब एक ही बार में सब कुछ फिट आया आपका सर। कितने बजे रिपोर्ट किए थे सुबह? सर वहाँ 6:30 बजे की एंट्री ले रहे हैं। 6:30 बजे कितने लोग रिपोर्ट किए होंगे? 45 लोग। 45 लोग का बैच ही जाता है रूटीन, और एक दिन में उससे ज्यादा निपटा भी नहीं पाएंगे जी। तो कितने बजे एंट्री करके? 6:30 बजे। 45 लोग। पहले क्या करवाए सर? सबसे पहले एंट्री यहीं गेट से दौड़ाते हुए ले जाएंगे, वहाँ तुरंत बोलेंगे कि आप अपने शूज निकाल दीजिए, कपड़े निकाल दीजिए, बैग वगैरह रख दीजिए सर। सब कुछ निकलवाने के बाद कपड़े उपड़े, उसके बाद ब्लड निकाल लेते हैं। ब्लड निकालने के बाद सर फिर एक लिटमस पेपर टाइप का देते हैं सर, टॉयलेट चेक करने के लिए, जैसे यूरिन चेक करने के, सर जिसका सही होता था यूरिन उसको फेंकवा देते थे वो लिटमस पेपर, क्योंकि कलर चेंज कर देता है जिसका इन्फेक्शन। कुछ लोगों को चेंज भी मिला था? हाँ सर, दो तीन लोग को मिला था, तो उनका फिर पर्सनली निकलवा के फिर ले गए चेक करने के लिए, कंप्यूटराइज। फिर उसके बाद सर वो हमारा हाइट वगैरह मेजरमेंट किए, वेट मेजरमेंट किए, फिर BP चेक किए। हाइट वेट में भी कोई नपा था सर? नहीं, लगभग सब हाइट वेट सब फिट, सब फिट कर भी लेते हैं मेहनत करके। हाँ, और सर फिर BP मेजरमेंट कर लिए। BP कितना आया था तुम्हारा? हमारा सर 115 वगैरह था सर। 115 था, परफेक्ट था मतलब इधर। चलो बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद सर 2-3 बच्चों का BP में इशू आया था। हाँ, वो बढ़ के 130 के ऊपर, 140 के ऊपर जा रहे होंगे। तो
बट सर ऐसे सर मतलब वहाँ सेलेक्टर इतने ऐसे कॉपरेटिव थे सर कि दोबारा तिबारा कर दिया। अच्छा, बच्चों को सपोर्ट है। होता है एक बार में लोग हड़बड़ा जाते हैं तो बीपी उसके बाद बढ़ जाता है। फिर सर कलर विजन हुआ, उसके बाद पढ़वा रहे थे ऐसे सर आँख एक एक आँख बंद करके ऐसे वो बुक लिए थे सर, उसमें छोटे छोटे अक्षर लिखे थे तो वो पढ़वाते थे, वो खुद पूछते थे कि इसकी मीनिंग बताइए, स्पेलिंग बताइए सर। फिर सर कलर विजन में ऐसे पाथ फाइंडिंग करवाते थे, फाइंडिंग करना नंबर फाइंडिंग नंबर पढ़वा रहे थे। फिर सर डेंटल चेक किए, डेंटल में हमारे 22 पॉइंट मिले थे सर, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद सर ले गए वहाँ अंदर रूम में ले जाते हैं सर, रूम में ले गए तो कुछ बच्चों को ECG के लिए ले गए थे, कुछ कुछ बच्चों को सर वो 12 मीटर की दूरी पर जो स्टैंड करा के पढ़वाते हैं सर, कुछ बच्चों को वो करवा रहे थे। फिर मैम, एक मैम थी सर, वो कुछ बच्चे पांच पांच के ग्रुप में डिवाइड कर दिए थे, तो सर कुछ ECG के लिए गए, कुछ को पढ़वा रहे थे और कुछ के कान वगैरह DNS वगैरह चेक करने के लिए। सर कई बच्चे DNS में बाहर हो गए थे, बाहर मतलब सर उन्हें पॉइंट मिल गया था DNS में, अब रीमेडिकल जाएंगे। यस सर, इसीलिए कहा जाता है ना, एक बार मेडिकल करा लेने से कम से कम आत्मविश्वास तो आ जाता है कि हाँ क्लैरिटी है। लोग इसमें भी बहादुरी खेलते रहते हैं बैठ के, भाई आप कोई एग्जाम दे रहे हैं तो मॉक टेस्ट देने बुराई थोड़ी ना है, फिजिकल कर रहे हैं दौड़ना पड़ेगा ना, तो लाजमी से बात है मेडिकल जा रहे थे, एक बार मेडिकल प्रक्रिया कर लेने से कम से कम क्लियर तो रहता है कि हाँ ऐसे ऐसे प्रोसेस वहाँ होगा। अब जैसे आप यहाँ किए रहे होंगे तो आपका आत्मविश्वास अपने आप कि हाँ अभी ये होगा, अभी ये होगा, अभी ये होगा, तो उतना डर नहीं लगता है। एग्जैक्टली, वैक्स वगैरह दांत वगैरह तो ऐसे भी कहते हैं साफ करा के दुरुस्त करके। वो सर खुद ही बोले रहते हैं कि बैग्स वगैरह सब, एक्सरे वगैरह भी किए। हाँ सर, एक्सरे वगैरह, चेस्ट का एक्सरे हुआ था, एक्सरे सबका फिट आया था, लगा एक्सरे सबका फिट आया था। ज्यादातर किस में नपे हैं सर? DNS में गए हैं, कुछ बच्चे तो पाम्स में, छोटे पाम्स में गए। कितने टोटल शॉर्ट लिस्ट हुए थे पहले ग्रीन में? ग्रीन में 17 टोटल हुए, 2 को पेंडिंग में रखे थे, आज दिए होंगे उनको, आज दिए होंगे टोटल 17। चलो बढ़िया, बाकी सब रीमेडिकल गए। ये तो दुख का विषय है ही। एग्जैक्टली, इसीलिए मैं सबको समझाता रहता हूँ कि पर मेडिकल प्रक्रिया भी गो थ्रू हो लो, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो घर का कुछ बताइए अपने बारे में, क्योंकि आप पड़ोसी उतना हम जानकारी है नहीं, बट कुछ बताइए। हम भी आपके अमर जनता इंटरमीडिएट कॉलेज से ही पढ़ाई किए, फिर उसके बाद लाइफ की जर्नी शुरू हुई, तो बिल्कुल छोटे आपकी ही तरह थे और सपना वहीं से बन गया था कि नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करना है, और मेहनत की ईमानदारी से प्रयास किया और सब कुछ ज़िंदगी में मिला जो अचीव करना चाहते थे, एंड फाइनली लाइफ ट्विस्ट करते करते यहाँ पहुँचा दी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट वॉट एग्जैक्टली आई एम डूइंग, बट फीलिंग प्राउड कि आज हर गांव समाज में कुछ बेहतर कर पाए। एक भैया हैं बबलू भैया, जी जी बबलू बुक डिपो है, जी जी जी, वो भैया से हमारी हमेशा बात होती रहती है सर, उन्हीं से बुक वगैरह हमेशा। हाँ हाँ, छाते होंगे। हाँ, पहले वो दुकान हमारी थी, तो उस दुकान को पिताजी चलाया करते थे, तो फिर फाइनली वो दुकान जो है बबलू को दे दी गई, तब वो वहाँ पे टेक ओवर करते हैं, क्योंकि फैमिली वहाँ से शिफ्ट हो गई पूरी की पूरी। ऐसे समय होता है, सब बदलता जाता है, चीज़ें कहाँ से कहाँ, वहीं सारी पढ़ाई सब कुछ बेसिक वहीं पर रहा। नहीं, बहुत बढ़िया है। तो पिताजी क्या करते हैं सर? पिताजी सर वैसे मतलब किसानी करते हैं। अच्छा, गांव में किसानी। कितने भाई बहन हैं सर? अकेले। अकेले हैं आप? एक छोटी बहन है। चलिए, तो बड़ी जिम्मेदारी थी आपके कंधों पे, यहाँ जल्द से जल्द सफलता ले लेना। चलिए, सबसे बड़ा गिफ्ट दिए हैं आप अपने पिताजी को, और ये बहुत नाच करने का विषय है। कभी आएंगे तो ज़रूर हम आएंगे आपके गाँव के साइड, अगर हम अपने गाँव पहुँचेंगे, डिटेल यहाँ ले ली जाएगी आपकी। उससे जल्दी तो आना होता नहीं, बट साल 6 महीने में कभी कभी विजिट होती है तो जरूर आएंगे, बस फाइनल मेरिट वगैरह आ जाए तब फिर हम पहुंचते हैं, ठीक है ना? रियली होता है सर। हाँ। हमें, हमने एक वीडियो देखा था सर। हाँ। आपका जी। एक पिछली बार एक भैया सिलेक्ट हुए थे उधर कानूपुर साइड। हाँ, कानूपुर साइड में सिलेक्ट हुए थे, उनका वीडियो देखा तो हमें लगा कि हम भी सिलेक्ट होंगे सर, हमारे घर आएंगे। नहीं, बिल्कुल आएंगे और जरूर आएंगे, हम तो गर्व से आना ही चाहते हैं सबके यहाँ, और सब संजोग बनता है और वो संजोग मिला देता है। इसीलिए कहते हैं ना, इंसान ईमानदारी से प्रयास करे सब बेहतर होता चला जाता है। पिताजी वगैरह सब अपडेट कर दिए भाई, ग्रीन कार्ड वगैरह हो गया? मम्मी अकेले को बताएं, पापा से अभी बात नहीं है। पापा से बात ही नहीं किए भाई सर? हमारी हुई नहीं, पापा फोन से। चलो, अभी पापा से बात कर लेना कि तो सब डन है, कट ऑफ आपका बेस्ट है, मतलब कहीं से कहीं तक कोई डाउट नहीं है। आप बेलगामी कर्नाटका जा रहे हैं और इंडियन एयरफोर्स की आपकी जर्नी शुरू होगी, और जितना पोटेंशियल है आप में बच्चा, आपको अभी बहुत आगे जाना है। ग्रेजुएशन का कौन सा ईयर चल रहा है सर? ग्रेजुएशन सर पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक कहाँ से कर रहे थे सर? लखनऊ से। हो गया सर? नहीं, कंप्लीट नहीं सर, अभी पिछले ईयर इंटर। अच्छा, पिछले ईयर इंटर के बाद शुरू एक ही हो गए, वो भी ब्रेक ही हो जाएगा। अब देखो इग्नू से वहाँ आगे कंटिन्यू करने का राइट देते हैं कि नहीं देते हैं, कहीं फ्रेश कराना शुरू कर दें। वैसे है चांसेस कि आगे कंटिन्यू क्या कर सकते हैं, वो पॉलिटेक्निक भी दे रहे हैं ना वहाँ पे, तो अगर आप करना चाहेंगे जो उनका HRD सिस्टम है पूरा इग्नू से, इसका भी पॉलिटेक्निक का भी एडमिशन करा के आपका कोर्स क्या करवा देंगे। सिचुएशन हमारे यहाँ ऐसी थी सर कि मतलब
फैमिली सर उतना ज़्यादा वो, मैं समझ रहा हूँ बेटा, समझ रहा हूँ। गांव में पिताजी अगर नहीं है कुछ तो सर हमने सोचा कि जल्द से जल्द कुछ भी कर लें, मतलब अरे इससे बेहतर कुछ है ही नहीं भाई। ये लोग अगर ये दिमाग एक्स्ट्रा लगा रहे हैं सब, तो इससे बेहतर कुछ है ही नहीं। मतलब हमारी एज नहीं सर, अभी भी हमारी एज 17.5 हुई है। मैं समझ रहा हूँ सर। उसके बाद हमने एनडीए ट्राई किया कि सर हमारे पास ऑप्शन ही वही था कि, और हमें क्यों किसी में एलिजिबल ही नहीं थे सर। समझ रहा हूँ उम्र की वजह से सर, पहला मौका इसमें मिला, इसी में आपने सफलता तय कर ली। जी सर, नहीं सर, हमने सोचा कि अगर पॉलिटेक्निक किए रहेंगे तो मतलब अगर कहीं सर, मतलब एक रास्ता बना रहे थे कि हम कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में। नहीं तो पॉलिटेक्निक का फायदा है यार, इसकी डिग्री लिए हो तुमको इंडियन एयरफोर्स में, इसका फायदा मिलना है, जबरदस्त फायदा आपको मिलेगा आगे चल के। तो ये अच्छा रास्ता आपने बनाया। चलो कोई नहीं, आप बुद्धिमान हो, हर चीज़ बिल्कुल आपने सेंसिबली किया है। जैसे आप देखो आज के टाइम में BA BSc कोई मतलब है नहीं, आप टेक्निकल कोर्स जाइए, चाहे BTEC के रूप में जाइए, चाहे आप डिप्लोमा के रूप में जाइए, बट आपको टेक्निकल कोर्स में जाना बहुत ज़रूरी है। और अभी हम जो नया एजुकेशन सिस्टम अपने यहाँ डेवलप किए हैं, मतलब जो बच्चे अब आ रहे हैं, तो यहाँ कोई ऐसा 3 महीने 6 महीने का प्लान हमने नहीं दिया है, हम सबको साल भर के लिए ला रहे हैं। हमारा लक्ष्य ये है कि बच्चे को JEE भी देना है और NDA भी देना है। सर जब NDA हमने 2 बार दिया तो हमने JEE मेंस भी दिया, हम सोचे सर TS बिल्कुल, आर्मी TS ने भी TS 4 SSC मिलती है, अप्लाई किए थे सर, बट क्या हुआ कि इस बार रैंक शायद 2 लाख से नीचे वालों का, 2 लाख सर हमारा 2 लाख प्लस थी। अच्छा 2 लाख सर, 2000 2,20,000 थे, 20,000 के आसपास आ गए सर इस रीजन से। हाँ इसमें भी कंपटीशन खूब बढ़ गया, पहले इतना नहीं था। चलिए बहुत बहुत बढ़िया लगा विश्वास आपसे मिल करके, और बिल्कुल हम जरूर आएंगे और पक्का आएंगे। ये मेरे लिए भी बहुत गर्व और खुशी की बात है, क्योंकि हम लोगों को भी खुशी होती है। आप हमारा पर्सनल नंबर रखिएगा, ठीक है ना, जब सब कुछ फाइनल होगा तो हमें अपडेट करिएगा कि सौरभ सर जब आइए इधर तो हमारे यहाँ ज़रूर आइए, हम ज़रूर आपके यहाँ आएंगे बेटा। और ये बहुत गर्व का बात है, ये मैं कहना चाहता हूँ, आपके पेरेंट्स को भी कहना चाहता हूँ कि विश्वास ने सर बड़ा अचीवमेंट लिया है, और अब घर परिवार का सब स्ट्रक्चर ये बदल देंगे, सब कुछ बहुत आगे जाएंगे ज़िंदगी में जैसा जाना चाहिए। तो चलिए एक बार फिर से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। कोई ऐसी बात जो अपने एरिया के बच्चों को आप मैसेज देना चाहें, क्योंकि ये सब जुड़े ही हैं आसपास, क्या कहना चाहेंगे आप? सर हम यही कहेंगे कि मन लगा के मेहनत कीजिए, मतलब सर पढ़ने का मतलब ढंग से पढ़िए, ये नहीं कि मतलब नाम है पढ़ाई का, पढ़ने का मतलब, और पढ़ते समय बस यही होना चाहिए कि लगी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख ले। क्या बात, क्या बात है। और मुझे लगता है यही जज्बा आपकी सफलता का सबसे बड़ा कारण बनेगा, तो ढेर सारा आशीर्वाद। हाँ यही कहेंगे कि सर जैसे युवा जो हैं सर देश के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, तो उनको सर मतलब हम कहेंगे मेहनत जम के कीजिए, क्योंकि सर ऐसा होता है ना कि सर जैसे केवल युवा जो होते हैं सर हमारे गांव में देख रहे हैं सर, बहुत लोग डाइवर्ट हो जा रहे हैं, बहुत डाइवर्टेड है, नशे की ओर हैं लोग और गलत हैबिट्स में हैं, जुआ खेल रहे हैं। मुझे भी बहुत दुख होता है बेटा, जब मैं गांव विजिट करता हूं तो मैं लोगों को समझाता हूं आप ये क्या कर रहे हैं। आप आइए साल भर मेहनत कर लीजिए, 6 महीने कहीं ना कहीं आर्मी SSC GD मतलब पैरामिलिट्री फोर्स में भी इतना ऑप्शन है, लंबी लंबी वैकेंसीज आ रही हैं, अगर 1 साल ईमानदारी से मेहनत करने लग करके तो सब सेट हो जाएंगे। लेकिन सबको बैठ करके केवल बकवास करना है, किसी को कोई मेहनत नहीं करना है, तो उस बात का तो दुख हमें भी होता है। पार्टिसिपेशन चाहिए युवा का सर, क्योंकि ऐसा होता है कि सर कहते हैं कि जो बीत गया है कल वो आज नहीं होता, सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी सिर्फ बाज नहीं होता। सही बात है। जिस देश के नौजवान संघर्ष नहीं करते उस देश के सिर पे कभी ताज नहीं। क्या बात, क्या बात है। और मुझे लगता है कि आपसे ही देश बनता है, देश के युवाओं से। हमने अब आपके लिए सर बनाया था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। माँ के मैं पैर दाबूं काम करूं बाप के हरिकॉर्डर पे, माँ के मैं पैर दाबूं काम करूं बाप के हरिकॉर्डर पे, दुश्मनों सावधान हो जाओ सौरभ सर का चेला आ रहा है बॉर्डर पे। क्या बात, क्या बात, क्या बात है। तो आप स्वयं लिखते हैं इन सब चीजों को सर? क्या बात है यार, बड़े टैलेंटेड इंसान हो, तो बस यही पॉजिटिविटी बनाए रखो। हाँ ऐसे टैलेंटेड लोग की फौज में बड़ी जरूरत है यहाँ। तो ये जर्नी हुआ था ना, हमारा फेस टू हो गया था। जी तो वहाँ ऐसे सर इतने कोऑपरेटिव थे, वो खुद सर शेर शायरी वगैरह बोला। हाँ पूरा मोटिवेशन चलता। अभी कल एक बेटी आई थी मुझसे मिली, अमनी सिंह, तो सी विन द कैप जो एयरफोर्स की फ्लाइंग कैप होती है, तो वो ऑफिसर ने दिया उन्हें। तो वो चाहते थे कि बच्ची कुछ बोले, कैसा जज्बा है, कितना जुनून है फौज के प्रति, और यही तो सबसे अलग बनाता है आपको, और ये चीज़ होनी ही होनी चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए विश्वास को, बहुत सारा जो है प्रेम दीजिए, और जियो ने बहुत आगे जाएं। मुझे पता है सब एग्ज़ाम क्वालिफाई कर देंगे जहाँ भी बैठेंगे, एयरफोर्स इनका निकला है, नेवी भी हम इनके से और शॉर्ट हैं, कोई दो राय नहीं है उसमें।
और बिल्कुल ऐसे बच्चे हैं जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं। सोचिए हमें कितनी खुशी मिलती है इस चीज़ से, और आप सब भी ऐसे मेहनत करिए और मिलिए यार। और मैं हमेशा कहता हूँ कि इन इंटरव्यू का कोई पर्पज़ ये नहीं होता मेरा कि मैं इधर आया हूँ बताने के लिए कि हम कितने बड़े सुपरस्टार हैं। मेरा दिल से बस ये कहना रहता है कि अगर विश्वास कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, भरोसा करिए, मेहनत करिए। और मेरा दिल से एक ही उद्देश्य है, मैं हमेशा कहता हूँ और नारे की तरह बोलता हूँ इस बात को, कि मैं चाहता हूँ कि हर घर से मैं इस देश में जो है एक गवर्नमेंट जॉब में बच्चे को भेजूं, क्योंकि मुझे पता है कि देश का विकास गांव के सबसे छोटी इकाई परिवार से शुरू होता है। जब परिवार का विकास होगा तो गांव का होगा, गांव का होगा तो समाज का होगा, जिले का होगा, राज्य का होगा, और फाइनली देश का होगा। तो हम देश के डेवलपमेंट की तो बात करते हैं, बट कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि इस देश में परिवार का डेवलपमेंट कहाँ से होगा। और हमारा नारा परिवार के डेवलपमेंट को लेके, और लगातार MKC इस चीज़ को लेके वचनबद्ध है, और हर बच्चे को, और इस बार का सिलेक्शन तो विश्वास दिल जीत लिया है इस हम लोगों का। वी आर गिविंग द बेस्ट रिजल्ट इन इंडिया एंड यू रियली फील प्राउड कि NDA में भी हम सिलेक्शन के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं। yes, और TS का भी आने वाला है बच्चा जो है, उसमें भी धड़ाधड़ हम अपना परचम लहराने वाले हैं। और ये सब केवल आप सबकी बदौलत हो पा रहा है, बिकॉज आप इतने मेहनती हैं। सिर्फ बैच में, फेज 2 के बैच में लगभग 100 और बच्चे जितने हमारे संपर्क में थे सर, जितने को पूछा लगभग सब सेलेक्ट हुए। बच्चियां जितनी थी सब सेलेक्ट हो गई। बच्चियां तो कह रही सर, वी वर इन द MKC कैंपस, जैसे सर को पता चला वहां पे सिलेक्शन सेंटर पे, थी वर प्राउडली सेइंग दैट कि सारी बच्चियां तैयार हैं, इनको कोई रोक नहीं सकता, सब फिजिकल से लेकर हर चीज़ क्वालिफाई किया। चलिए विश्वास, बहुत अच्छा लगा बच्चा बात करके, और आपसे ज़रूर फिर से मुलाकात होगी, बट इस बार मुलाकात आपके घर और आपके आवास पे होगी, आपके फैमिली के साथ होगी, ठीक है ना। वो बड़ा मोमेंट होगा और स्पेशल मोमेंट होगा, ठीक है। और हमारी तरफ से भी आपको बहुत शुभकामनाएं बेटा, जैसे ही आप अच्छे इंसान हैं ऐसे बने रहिएगा, ऐसे ही रियल फौजी को ज़रूरत है इस देश को, ठीक है ना। फौजी बहुत दिल से होता, और मैं कहता हूँ ना, ये रियल हीरो नहीं है, आप सब रियल हीरो बनने जा रहे हैं। और रियल हीरो कहते हैं ना, रियलिटी से बनता है, और रियलिटी यही है कि आपको निकल के हार्डवर्क करना पड़ता है। चलिए इंटरव्यू बहुत बड़ा हो गया, बट आशा करता हूँ कि बड़ी प्रेरणा आपको मिली होगी। बाकी जैसा अपना विचार हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।